नमस्कार, आपका स्वागत है तेज खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। राजधानी भोपाल के हलाली डैम में 3 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 बच्चों के पानी में डूबने से मौत हो गई जबकि 1 बच्चे को बचा लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद राजधानी भोपाल में भी अंधविश्वास का मामला देखने को मिला। दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजनों ने मासूमों को जिंदा करने के लिए नमक के ढेर में लिटा दिया। दरअसल ईटखेड़ी के रहने वाले 3 बच्चे पर्व, युवराज और सरस हलाली डैम पर गणेश विसर्जन देखने गए थे। तीनों बच्चे डैम के पास बैठे थे जहां अचानक से वह डैम में गिर गए। गहरे पानी में जाने से तीनों डूब गए। कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी पर्व के चचेरे भाई को दी, जिसके बाद वह अपने 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और युवराज को डैम से बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी उसे किसी ने बताया कि 2 बच्चे और भी डूब गए हैं, जिसके बाद दोनों ने फिर से डैम में छलांग लगाई जहाँ से कुछ देर खोजने के बाद सरस और पर्व को निकाला गया। दोनों के परिजन उन्हें तुरंत लेकर हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन यहां अंधविश्वास के चलते मृतक बच्चों के परिजनों ने उन्हें नमक के ढेर में दबा कर रख दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ऐसा करने से शायद उनके बच्चे जिंदा हो जाएंगे। अस्पताल में करीब 2 घंटे तक अंधविश्वास का खेल चलता रहा। दोनों बच्चों के शव करीब 2 घंटे तक नमक के ढेर में दबे रहे। जैसे ही पुलिस अस्पताल पहुंची तो उन्होंने परिजनों को समझाया, तब कहीं जाकर परिजनों ने बच्चों के शव को नमक से बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया।